हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम न्यू रिक्वायरमेंट 2023। फ्रेंड्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है, इसमें हेड कांस्टेबल, जो कांस्टेबल से ऊपर का पद होता है, उसमें आरओ एंड आरएम रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिकल टू टाइप की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, आपको इसमें फॉर्म फिल करना है। जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सभी इसमें फॉर्म फिल करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको फॉर्म फिल करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रख लेनी है कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले फॉर्म के बारे में जान लेना जरूरी है। क्या है, कैसे है, हमें क्या क्या भरना है, किस पर यस करना है, किस पर नो करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जानकारी की कमी की वजह से आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आज आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में 12,000 बच्चों का लिस्ट 3 में नाम आया है। फ्रेंड्स, आप टाइम भी दो, पढ़ाई भी करो मन से, एग्जाम भी क्वालिफाई करो, लेकिन फिर भी आपको जॉब ना मिले, तो ऐसा टाइम आपका किस काम का। इतनी जल्दी, इतना ज्यादा आप बिजी, किस काम का, किसी काम का नहीं फ्रेंड्स। कि जिस जॉब के लिए हम दिन रात 2400 घंटे लगा देते हैं, सोते भी टाइम से नहीं है, खाना भी टाइम से नहीं खाते, और फिर भी वो हमें जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये टाइम किस काम का। तो इससे अच्छा है आप आधा एक घंटा भी नहीं, 15 से 20 मिनट जो भी वैकेंसी आप फिल करते हैं, जिसमें भी आप फॉर्म फिल करते हैं, उस वैकेंसी के बारे में पहले पढ़ें, जानें कि ये वैकेंसी है क्या, हमें किस कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, किस पर यस करना है, किस पर नो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बीएसएफ एचसी आरओ एंड आरएम न्यू रिक्वायरमेंट 2023, 247 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें कि आरओ पोस्ट के लिए 217 पोस्ट है और आरएम पोस्ट के लिए 30 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आरओ के लिए कितनी है, 217, आरएम के लिए 30 हैं। फ्रेंड्स, आपके जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं वो 22 अप्रैल से हो गए हैं। 22 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं और ये 12 मई तक भरे जाएंगे। तो अप्रैल से मई यानी ये भरे जाएंगे, 8 दिन इसमें हो गए, 12 और 20 लगभग 20 दिन तक ये फॉर्म फिल होंगे आपके। तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो सभी इसमें जाकर के फॉर्म फिल कर देंगे। 22 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक फॉर्म फिल होंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसकी फी की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फी है और बाकी जो हमारी एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फी नहीं है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके एग्जाम कब होगा। तो देखो, प्रीफिक्स है, आपका एग्जाम होगा 4 जून को, आपका एग्जाम होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एज की। तो 18 से 25 वर्ष इसमें एज है, 18 से 25 वर्ष। वहीं पर ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है फ्रेंड्स। अब आपकी एज कैसे काउंट होगी, तो जनरल वाले जो 18 से 25 वर्ष अपनी एज काउंट करेंगे, वो करेंगे 12 मई 1998 से 12 मई 2005 के बीच। ओबीसी वाले करेंगे 12 मई 1995 से 12 मई 2005 के बीच। एससी एसटी वाले एज काउंट कैसे करेंगे, तो 12 मई 1993 से लेकर 12 मई 2005 के बीच। इस तरह से आपको अपनी एज काउंट करनी है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, बल्कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड। अब उसके बाद बात करते हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। जो एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें 3 वर्ष की छूट, जो मिलिट्री सर्विस में होंगे उन्हें 6 वर्ष की छूट, इस तरह से उन्हें भी छूट दी गई है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के लिए, हमने बात कर ली आरओ के लिए 217 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है आरओ के लिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, पहले आरओ की बात करते हैं जिसमें 217 पोस्ट है। आपने 12वीं पास कर रखी हो किसी भी बोर्ड से, या तो किसी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से, 60% मार्क्स के साथ। चलो, आपने 12वीं पास कर ली 60% मार्क्स के साथ, लेकिन किस सब्जेक्ट से, तो साइंस से, यानी पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं पास कर रखी हो 60% मार्क्स के साथ, किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से।
अगर ये आपने नहीं कर रखा, ये जिन बच्चों ने कर रखा होगा वो तो इससे फिल कर देंगे, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा लेकिन फिर भी वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर एक सहूलियत दी गई है, उनके लिए भी एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई टेंथ पास हो और आईटीआई कर रखा है तो वो भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आईटीआई किसमें, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में कर रखा हो, या आपने कंप्यूटर ऑपरेटर में कर रखा हो, या प्रोग्रामिंग असिस्टेंस में कर रखा हो, या डाटा एंट्री में कर रखा हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कर रखा हो, तो जिसने भी आईटीआई इन सब में कर रखी हो वो जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आरएम के लिए बात कर लेते हैं, तो आरएम के लिए 30 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, सेम वही है, 12th पास, 60% मार्क्स किसी भी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपने कर रखा हो, या फिर ये नहीं है तो 10th प्लस आईटीआई। ओके, तो जो आईटीआई है वो सब इसी के लिए है जो मैंने बताया, ये 4-5 पोस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, प्रोग्रामिंग असिस्टेंस में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, इन सब में कर रखा हो। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आपका रिटन एग्जाम होगा पहले, उसके बाद आपका पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसे पीईटी एंड पीएसटी भी आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ टेस्ट। ओके, ये जो होगा डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ टेस्ट वो सिर्फ आरओ पोस्ट के लिए होगा, वो सिर्फ आरओ पोस्ट के लिए होगा डिक्टेशन एंड पैराग्राफ टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ आया, पहले आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल पीईटी या पीएसटी, उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जिसमें आपको डिक्टेशन टेस्ट एंड आपकी पैराग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। एक बार फिर से आपको बता दूं, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ टेस्ट सिर्फ आरओ पोस्ट के लिए होगा। फ्रेंड्स अगर आप डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ टेस्ट में गलती करते हैं तो उसके भी आप किससे नंबर काट ले जाएंगे, अगर आप एक लेटर की गलती करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, वहीं पर आप एक वर्ड की मिस्टेक करते हैं तो 0.1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आरओ पोस्ट है ना हमारी, ये 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वहीं पर आरएम है वो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जो आरओ पोस्ट है 250 कैसे होगा, 200 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा, 50 मार्क्स का ये डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ टेस्ट होगा। ओके, जो कि आरएम में नहीं है ये, तो इसीलिए वो 200 मार्क्स का है और इसीलिए आरओ 250 मार्क्स का है। फ्रेंड्स चलिए अब आपको रिटन एग्जाम की जानकारी दे देते हैं। रिटन एग्जाम दोनों के लिए सेम ही है, आरओ एंड आरएम। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएंगे, चार सब्जेक्ट आएंगे इसमें, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ पर फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, मैथ्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीके से यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स 40 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वहीं पर केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड इंग्लिश एंड जीके आपकी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस तरह से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो जाते हैं, 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम अपने फिजिकल की, क्योंकि रिटन एग्जाम हो गया, अब रिटन के बाद फिजिकल। फिजिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे मेल और फीमेल के लिए। अब हम बात करते हैं दोनों पोस्ट के लिए, या फिजिकल होगा, हाइट है 168 सेंटीमीटर, मेल के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, वहीं पर जो मीजो और नागा हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, 162.5। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, एसटी बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया, तो क्या है हाइट जनरल वालों के लिए 168, जो मीजो नागाज हैं और जो हिली एरिया से हैं,
ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सब इनसे हैं, उनकी हाइट है 162.5, और जो नॉर्थ ईस्ट के एसटी हैं उनकी हाइट है 157 सेंटीमीटर मेल के लिए। वहीं पर फीमेल के लिए हाइट की बात करें तो फीमेल के लिए है जनरल वालों के लिए 157। वहीं पर जो हमारी लद्दाख क्षेत्र से हैं और जो मीजो वगैरह हैं इन सब के लिए हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है, और जो नॉर्थ ईस्ट की फीमेल्स हैं उनके लिए हाइट 154 सेंटीमीटर है। रनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो रनिंग यहाँ पर आपकी 1.6 किलोमीटर मेल्स के लिए 6.5 मिनट में है, वहीं पर फीमेल्स के लिए जो रनिंग है वो 800 मीटर 4 मिनट में है। फिर हम बात करते हैं हाई जंप की। हाई जंप है आपकी यहाँ पर 3.5 फीट, बॉयज के लिए 3.5 फीट है और गर्ल्स के लिए 3 फीट है। वहीं पर लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 11 फीट है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 9 फीट है। फ्रेंड्स, आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3 चांसेस दिए जाएंगे, यानी एक बार आप सपोज दैट नहीं कर पाए तो दूसरी बार चांस दिया जाएगा, दूसरी बार भी नहीं कर पाए तो आपको तीसरी बार चांस दिया जाएगा, लेकिन तीसरी बार नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। फिर ना तो आप जो PMT होता है मेजरमेंट टेस्ट वो कर पाओगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद ही मेजरमेंट टेस्ट होता है आपका, तो ना तो वो कर पाओगे ना ही आप मेडिकल वगैरह कहीं पर भी जा पाओगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लें फ्रेंड्स आप। अब हमने फिजिकल की बात कर ली, रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, और अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है फ्रेंड्स। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसका भी कास्ट है, जैसे OBC हैं और जो हमारे SC ST हैं, EWS हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, फोटोकॉपी अपनी, और जो भी उनके 10th 12th के जो सर्टिफिकेट हैं वो अपने सर्टिफिकेट लेकर के जाए, ओरिजिनल, और उनकी 2-2, 4-4 फोटोकॉपी। उसके बाद कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड हो सकता है आपका, आधार कार्ड हो सकता है, ये सब लेके जाए, और ये सब आपको लेके जाना है। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, और बाकी जो भी रह जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो अभी पहले तो फॉर्म फिल हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मेडिकल कैसे कैसे होता है इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी आज के लिए इतनी ही जानकारी रखते हैं फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कोई भी जानकारी रह गई हो किसी कारणवश तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, वैसे मैंने कोई भी जानकारी नहीं छोड़ी है आपके फॉर्म से रिलेटेड। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।